हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने जो बुद्धि का चैप्टर स्टार्ट किया था इंटेलिजेंस, उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें बता दी थी कि बुद्धि होता क्या है, आईक्यू लेवल कैसे हम टेस्ट करते हैं, और आईक्यू लेवल्स की कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें बच्चों को डिवाइड किया गया है, कि कौन सी वाली स्टेज पे किस बच्चे को रखा गया है, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये सारे हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट पार्ट देखना है, ये सारी चीज़ें आप पहले वाली वीडियोस में मेरी देख सकते हैं। अब हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो मेरे फैक्टर्स थे ना, जो मैंने आपके MCQs और फैक्ट्स डिस्कस किए थे 10, उसके अंदर मैंने आपको वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया था, राइट? तो थ्योरीज़ के अंदर वही सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर थ्योरीज दी गई है, आज उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किसने दी, क्यों दी और उसके अंदर क्या बात कही गई थी, ठीक है? मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था कि थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी, आपको कमेंट करके बताना है, तो इसीलिए मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। अब इसके वाले टॉपिक के अंदर हम जो फर्स्ट हमारा है वो है एक खंड बुद्धि सिद्धांत, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी आपकी किसने दी थी, मैंने आपको उसमें आपने 10 जो हमने MCQ फैक्ट्स किए थे उसके अंदर ही बता दिया था। वन फैक्टर थ्योरी आपकी किसने दी, जॉनसन बीने ने, ओके? जॉनसन बीने ने आपकी वन फैक्टर थ्योरी दी थी। इसके अंदर क्या बात कही गई थी, जो जॉनसन बीने जी ने वन फैक्टर थ्योरी दी थी उसके द्वारा उन्होंने कहा था कि जो बच्चे के एनवायरनमेंट में या उसके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उनको शॉर्ट आउट कर सके। जो पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर जो उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनको खुद शॉर्ट आउट कर सके और समझ सके कि वो प्रॉब्लम उसके लिए क्यों आ रही हैं, उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों का यूज़ कर सकता है, वो उसके लिए हार्मफुल है या अच्छी हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को समझते हुए वन फैक्टर एक खंड बुद्धि सिद्धांत के अंदर रखा गया था कि व्यक्ति पर्यावरण में स्थिर किसी एक या अन्य समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है? इसके बाद आती है, छोटी सी थ्योरी है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, जॉनसन बीने ने। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, सेकंड फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी गई थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, ये हमारी किसने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब इसके अंदर दो पॉइंट और रखे थे, दो तत्व और रखे थे। मतलब जैसे मैंने आपको फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फैक्टर थ्योरी के अंदर बताया था कि क्या बात बोली थी उसमें, कि अपनी एनवायरनमेंट से रिलेट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको बच्चा शॉर्ट आउट कर सके, तो द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दो फैक्टर रखे थे, एक होता है हमारा जी फैक्टर, यानी कि जनरल सामान्य, एक होता है हमारा एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफाई यानी कि विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट। अब इसको समझ लो कि इसमें क्या बात बोली थी, इसके अंदर जी फैक्टर वो होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, यानी कि प्राथमिकता होती है जिसके अंदर प्राथमिकता होती है। ऐसे तत्व
जिनकी जिनको प्राथमिकता दी जाती है, जो प्राइमरी होते हैं, जो सभी की लाइफ में होते हैं, यानी कि जो जनरल फैक्टर्स होते हैं सामान्य सभी बच्चों में मिलेंगे। सभी बच्चों को जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो सभी चीज़ें बच्चों में समान मिलती हैं। लाइक जब वो गर्भ में होता है तो उस गर्भ में जो उसका विकास हो रहा होता है वो सभी बच्चों में समान होता है। ये तो नहीं है ना कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका अलग विकास हो रहा है, आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका अलग विकास हो रहा है। सबका एक रूप में, एक क्रम में सामान्य विकास होता है। उस ऐसे ही जो बाकी सामान्य जो फैक्टर्स हैं, जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं बच्चे का, फिजिकल, मोटर, ये सारे भी क्या हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। और कई बार ये होता है जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एक उम्र पे आके रुक जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर शुरू हो जाता है। लड़कों में अलग दिशा में होता है, लड़कियों में अलग दिशा में होता है, लेकिन होता तो दोनों में है ना। ये तो नहीं है ना कि बॉयज़ में होगा ही नहीं, गर्ल्स में हो गया, दोनों में होगा। क्या है, एक समय के बाद रुक जाए फिर शुरू हो जाए, लेकिन दोनों में होगा। दिशा सेम होगी उसका, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है कि कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, ठीक है। वो हो गई प्राथमिकता, यानी कि समान होते हैं, जनरल होते हैं, सभी बच्चों में देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पेसिफाई फैक्टर्स वो होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जो किन्हीं किन्हीं बच्चों में देखने को मिलते हैं आपको। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सभी बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते ना, कुछ कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे जो अलग से होते हैं, कि उनके अंदर बिल्कुल ही अलग से क्रिएटिविटी होती है, बेस्ट सिंगर्स होते हैं, बेस्ट डांसर्स होते हैं, बेस्ट म्यूजिशियंस होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ये क्या है, कुछ ही लोगों में देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इसको बोला था एस वेक्टर, यानी कि विशिष्ट तत्व, ठीक है। ये हमारे स्पेयर चार स्पेयरमैन के द्विकारिक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत रखी गई है। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी फैक्टर से हमारा क्या तत्व है, क्या महत्व है, जी फैक्टर क्या कहता है, एस फैक्टर क्या कहता है, चार स्पेयरमैन के दो कौन से फैक्टर्स हैं, जी और एस, तीन क्वेश्चन हो गए, और दुई फैक्टर किसने दिया, चार स्पेयरमैन ने, चार क्वेश्चन, केवल इतने से पॉइंट से आपके चार क्वेश्चन बनते हैं, ओके। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत व समूह कारक, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसके मैं दोनों नाम लिख देती हूँ, किसी से भी पूछ लेते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता और सेकंड नाम क्या है इसका, समूह कारक, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसके दो नाम हैं, दोनों याद रखना, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत किसका है, ठीक है। ये हमारा किसने दिया है, इसके प्रतिपादक हैं लुईस थर्स्टन, ये हमारा थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। ये पूछा जाता है इसमें इम्पॉर्टेंट कि समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, लुईस थर्स्टन की है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने जो बात कही थी उसमें कुछ की पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने, कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, क्या चीज़ें वो सीखता है, क्या चीज़ें नहीं सीखता है, कौन कौन से वो रखे थे इन्होंने। पहला रखा था वाचिक बोध, इट मीन्स वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या बोला था कि बच्चा किसी भी बात को बोध करता है, उसके अर्थ को समझता है, वो क्यों कही गई है, उसके महत्व को समझता है, ठीक है। सबसे पहले में वाचिक बोध यानी कि वर्बल जो शाब्दिक रूप से वार्तालाप हुआ है या शब्दों का उपयोग किया गया है, जो बातें कही गई हैं वो क्यों कही गई हैं, उसका अर्थ क्या है, किस रूप में है, उसको समझता है और उसको वैसे ही व्यक्त करने की कोशिश करता है। सेकेंड इन्होंने बोला था संख्यात्मक
योग्यताएं, कि बच्चे के अंदर संख्यात्मक योग्यताएं होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज। इसके अंदर बच्चे के वो कॉन्सेप्ट्स रखे गए थे जिसके अंदर बच्चा माइनस, प्लस, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें करना सीखता है, समझता है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, अलग अलग होती हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, इसके द्वारा मैं अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इन तथ्यों की शुद्धता और गति को समझता है। ठीक है, इसके बाद आता है दैशिक संबंध, मतलब स्पेशल रिलेशन। इसके अंतर्गत प्रतिरूपों व रचनाओं का प्रत्यक्षकरण करता है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी रचनाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, किस सिद्धांत पे हो रही हैं, उसके बारे में बच्चा क्या है दैशिक संबंध के अंदर वो चीज़ें समझता है। उसके बाद आता है फोर्थ, इन्होंने जो बताया था प्रत्यक्षिक गति, स्पिरिचुअल स्पीड। इसके अनुसार हर चीज़ों के प्रति अपनी धारणा स्थापित कर लेता है, मतलब बच्चों के माइंड में पूर्व धारणा स्थापित हो जाती है, अपने अपने प्रिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, हमें तो वो करना चाहिए, हमें तो ये करना चाहिए इस कंडीशन में। जैसे सबकी धारणाएँ होती हैं अपनी अपनी, जैसे आपके माइंड में भी जो अपने थॉट्स होंगे वो कुछ अलग होंगे किसी पॉइंट को लेके। अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, मेरे प्रिस्क्रिप्शंस कुछ और हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, आप क्या पता इसको नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो। तो इसीलिए जो बच्चा अपने मन में पहले से कुछ धारणाएं बना लेता है अपने अनुसार, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मार्केट में जाते हुए कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, तो एक बच्चे को वो बहुत पसंद आई, उसने अपने माइंड में एक स्पिरिचुअल यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस बना लिया कि ये बहुत अच्छी लगेगी, मैं उस फंक्शन में पहनूंगा, नहीं इसका प्राइस इतना हो सकता है, नहीं ये इसका फैब्रिक ऐसा हो सकता है। तो इस हिसाब से जो धारणा बनाई गई है वो उसके अनुसार अलग है, और सेकंड बच्चे को क्या पता वो बिल्कुल भी ड्रेस ज़्यादा पसंद ना आए, तो उसकी धारणाएँ क्या होंगी, उसकी अलग होंगी कि कितनी ख़राब है, इस पे अगर ये मेरे को 100 रुपये में भी मिले तो भी मैं नहीं लूँगा, मेरे तो पैसे ही वेस्ट जाएंगे, मेरे तो 100 रुपये भी वेस्ट जाएंगे, ना कलर अच्छा होगा, ना फैब्रिक अच्छा होगा इसका। तो इसीलिए क्या है, दूसरे बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग एक अपने मन में धारणा बना ली है उसके प्रति। तो ऐसे ही सभी बच्चों की धारणाएँ अलग अलग होती है। तो ये हमारे लुईस थर्डसन ने कहा था कि वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पिरिचुअल और ये सब जो प्रिस्क्रिप्शंस बच्चे अपने माइंड में बनाते हैं वो सभी बच्चों में किस रूप से ढाली जाती है, ये हमारा समूह कारक फैक्टर है। अब इसके बाद ई पॉइंट है इसका, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है शब्द प्रवाह, प्रवाह यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। इसके अंदर क्या बात बोली गई थी थर्डसन ने, कि शब्द प्रवाह बच्चे का कैसा है, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी कैसी है, किस रूप में वो अपने वचनों को बोल रहा है, किस रूप में किसी के सामने प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है ना, अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अपनी कोई बात बोल रही हूँ, आपको कोई समझा रही हूँ, अगर मैं बहुत स्पीड में बिल्कुल चल रखूँगी अपनी बात को तो आपको भी समझ नहीं आएगी, आपके भी माइंड से चल जाएगी, और बहुत स्लो रखूँगी, मीडियम से भी स्लो रखूँगी तो भी आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं ऐसे बोलूँगी शब्द प्रवाह तो ऐसे भी आपको समझ नहीं आएगी, राइट। और अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलूँगी शब्द प्रवाह ये वो, तब भी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए वर्ड्स की जो फ्लुएंसी है वो बहुत मायने रखती है कि आपको किसी भी शब्द को किस रूप में कहना है, मतलब उसकी गति या फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, एक तरह से उसको बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारा स्मृति, मींस मेमोरी।
अब बच्चे की मेमोरी किस रूप में, स्मृति किस रूप में, बच्चा कोई भी चीज़ को सुनकर समझकर लर्न करने के बाद अपनी स्मृति में यानी कि अपने माइंड में और अपनी मेमोरी में कितना फिट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, और टाइम पढ़ने में उसको रिकॉल कर सकता है या नहीं, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई चीज़ लर्न कर ली है या इससे पहले के जो मैंने आपको टू फैक्टर्स पढ़ा दिए हैं, आपने समझ लिया, पढ़ लिया मुझसे, लेकिन आपकी जो मेमोरी में अगर वो नहीं आया यानी कि स्मृति में वो आया ही नहीं, तो टाइम पढ़ने पे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है, आगमनात्मक तर्कना, इसमें आ गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर क्या आता है, उदाहरणों के आधार पर बनाना या उनको प्रमाणित करना। आपके पास कोई भी चीज़ है जो आपने सीखी है, तो आपको उस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको उसका मीनिंग पता चल जाता है, उसके फैक्ट्स पता चल जाते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, खुद से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, खुद से उसका आंसर कर पाएंगे, और बाद में उससे रिलेटेड जो आंसर्स होंगे या उससे रिलेटेड जो उदाहरण होंगे वो आप दे सकते हैं। अगर मैंने आपको प्लस का कॉन्सेप्ट सिखा दिया और आपने सीख लिया कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, तो बाद में अगर मैं आपको कोई सम देती हूँ कि 5 × 2 कितना होता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपको देती हूँ 15 / 5 कितना होगा, तो इसको भी क्या है, आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे उदाहरणों का आता है कि इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ पता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप उसको खुद सॉल्व करने के साथ साथ उसके उदाहरण भी खुद प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बच्चों से ही बोलूँ कि आपको प्लस पता है, माइनस पता है, तो चलो गिव मी अ 5 questions कि प्लस पे 5 question दीजिए, माइनस पे 5 question देंगे, तो अगर किसी बच्चे को प्लस पता है तो वो मुझे यही देगा कि मैम 5 + 2 कितना होता है, वो ये नहीं बोलेगा प्लस के कॉन्सेप्ट पे कि 5 × 2, मतलब साइन का मिसकेप्शन नहीं करेगा कि प्लस का साइन कौन सा होता है, माइनस और डिवाइड का साइन कौन सा होता है, वो खुद अपने उदाहरण उससे दे सकता है। अब इस वाली क्लास के अंदर हमने अपने 3 factors पढ़ लिए, 1 factor theory जो आपकी किसने दी थी, जॉनसन ने, जॉनसन बीने ने, 2 factor theory आपकी स्पीयरमैन ने, 3 factor नहीं ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी लुईस थर्डसन ने, ठीक है। ये 3 factors हो गए हैं आपके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के फैक्टर बढ़ेंगे, अभी फैक्टर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इसके बाद। तो बाकी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अपनी नोटिफिकेशंस के लिए। KVS PGT कंप्यूटर साइंस का आपको पूरा जो मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, और आपके लिए जो नीचे नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप वगैरह, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।